हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ एक न्यू प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि है अमूल चोको बटर स्प्रेड। ये एक स्वीट टेस्टिंग बटर है, मतलब चौकी नहीं। आप आजकल तो काफ़ी सारे चोको स्प्रेड्स वगैरह आने लग गए हैं, बट ये उनसे डिफरेंट है, डिफरेंट इन अ वे। ये रियल बटर है विद अ चॉकलेट टेस्ट इन इट। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये स्वीट टेस्टिंग बटर है। और ये जो है चॉकलेट, आप सब जानते ही हैं, सबको बहुत पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर किसी को चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। एंड स्पेशली चिल्ड्रन, जिनके आजकल इतनी सारी वैरायटीज और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उसमें ये अमूल चोको बटर स्प्रेड एक न्यू इनोवेशन है। और ये डिफरेंट है अपने कॉम्पिटिटर्स से, जैसे हर्शेज हो गया और दूसरे स्प्रेड्स आते हैं उनसे। ये बैटर इस तरह से है कि इसके अंदर वाइट बटर में उन्होंने कोको पाउडर मिक्स किया है, तो बाकी जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स के साथ बने होते हैं, बट दिस इज़ अ रियल बटर। सो जिससे ये बटरी स्मूथ टेक्सचर आएगा और साथ में चॉकलेट का स्वीट टेस्ट भी आएगा। चाहे वो बर्गर हो, बंस हो, ब्रेड हो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए आप फटाफट से ब्रेड स्प्रेड लगाया और बना के दे दिया, तो एक बहुत अच्छा सा उनके लिए एक ब्रेकफास्ट बन जाता है स्कूल के लिए। या फिर जो अगर आपको स्वीट खाना पसंद है तो ऐसे चॉकलेट स्प्रेड लगा के ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वेजिटेबल ऑयल्स आते वाले स्प्रेड्स आते हैं उनसे ये ज़्यादा बेटर है। तो इसका जो ये जो टब है ये आता है 89 रुपीज़ का। या ये दिस इज़ फॉर 89 रुपीज़। और ये जो टब है इसके अंदर आपको 200 ग्राम का बटर मिलेगा। 200 ग्राम का टब है ये। और इसके अंदर जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू पर 100 ग्राम पे मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर है एनर्जी है 508 कैलोरीज, टोटल फैट है 41 ग्राम, सैचुरेटेड फैट है 26 ग्राम, ट्रांस फैट है 1.6 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट है 34, एडिड शुगर है 11.2 और प्रोटीन का है 0.75 ग्राम्स। तो ये कोको बेस्ड स्प्रेड है एक तरह से, विद एन एडिड बटर इन इट। सो ये जो है ये गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। अमूल के प्रोडक्ट्स आपको पता वैसे बहुत फेमस हैं। और ये बना, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वाइट बटर, तो बेस जो है वो वाइट बटर है, फिर चॉकलेट सिरप है, शुगर है, वाटर, कोको सॉलिड्स। तो जैसे कि मैंने बताया, वाइट बटर में कोको पाउडर मिक्स करके इन्होंने ये स्प्रेड बनाया है। और ये बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स है फ्रॉम पैकेजिंग वेन स्टोर्ड रेफ्रिजरेटेड। तो नॉर्मल बटर की तरह ही आपको स्टोर करना है। इस स्प्रेड जैसा नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पर भी चल जाते, आपको ये नॉर्मल बटर की तरह होगा, क्योंकि इसका एक बहुत स्मूथ सा टेक्सचर होता है। जैसे स्प्रेड करेंगे आप तो एक बटरी वाली फील ही आएगी आपको स्प्रेड करते हुए। और इसमें हाँ, तो ये आप, मैं आपको अब इसको टेस्ट करके भी बताऊँगी कैसा है ये। तो ये और साथ में ये देखिए एल्युमिनियम फॉइल के साथ ऊपर पैक किया हुआ है, जैसे नॉर्मल बटर्स आते हैं, ये देख सकते हैं आप। और एक जो सबसे नई चीज आजकल चल रही है, अगर आपने देखा होगा तो YouTube पे एक पिज़्ज़ा चल रहा है, चॉकलेट पिज़्ज़ा। तो रेसिपीज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे YouTube पे, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। तो देखिए इसका टेक्स्चर, देखिए कितना स्मूथ लग रहा है ये देखने में, आप देख सकते हैं। चलिए टेस्ट करके बताते हैं। आई कांट रिजिस्ट, देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे चॉकलेट मेल्ट होके चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, तो वो लग रहा है। और हाँ, नॉर्मली जब भी हम चॉकलेट यूज करते हैं, चॉकलेट मेल्ट करते हैं हम कभी कभी अपने वो स्वीट्स बनाने के लिए, कुछ मफिन्स बनाने के लिए, या उसमें उसपे स्प्रेड लगाने के लिए ऊपर, अगर आप क्रीमी स्प्रेड लगाना चाहते हैं अपने चॉकलेट मफिन्स के ऊपर, केक्स के ऊपर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही यमी है, मतलब मुझे बटर का टेस्ट भी आ रहा है और चॉकलेट का टेस्ट भी आ रहा है। मतलब ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाएगा। जो हम डार्क चॉकलेट को मेल्ट करते हैं ना, आपको वो चीज़ करनी, वो स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली यूज दिस इन दिस। आई जस्ट लव इट, वेरी यमी। इट्स नॉट हार्ड लाइक द नॉर्मल चॉकलेट स्प्रेड्स। मैंने और भी चॉकलेट स्प्रेड्स यूज किए हैं, वो बहुत हार्ड होते हैं, या जैसे हर्शीज का होता है वो बहुत लिक्विडी होता है। नो, तो
कई चॉकलेट जो सिरप्स स्प्रेड्स होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी वो हार्ड सी होती है, इसकी नहीं है, ये बहुत आराम से ये स्मूथली जो है स्प्रेड हो जाएगा। तभी मैंने आपको बोला आप अपने केक्स और मफिन्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, क्योंकि बच्चों को पसंद है तो मैं अपने बेटे को कैसे भूल सकती हूँ, मैं उसको भी ये टेस्ट करके बताऊँगी कैसा लगा उसे। चलिए तो ये जैसा कि इनकी टैगलाइन है, दिस इज अटली बटली चॉको डिलिशियस स्प्रेड, सो प्लीज 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 यूज इट एंड गिव इट टू योर किड्स, दे विल गोना लव इट। थैंक यू मम्मा, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब।